बिजली का बहरान संगीन से संगीन तर, मुल्क के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया, 16 घंटे हो गया। कराची में 15-15 घंटे बिजली बंद। लाहौर के मजाफात में 12 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली की तवील बंदिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। शाहिद खाका नबासी कहते हैं कि आज से लोड शेडिंग का दुरानिया 3.5 घंटे होगा। कल से इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब ने जो आज फैसले किए हैं उसकी रोशनी में कल से इंशाल्लाह लोड शेडिंग 3.5 घंटे से कम होगी। 16 जून से इंशाल्लाह इसको 3 घंटे से कम कर दिया जाएगा और 30 जून से इंशाल्लाह ये लोड शेडिंग जो है ये 2 घंटे से भी कम 1.5 घंटे के लगभग होगी और हमें उम्मीद है कि जुलाई में हम इसे मज़ीद कम करने में कामयाब होंगे। बिजली बहरान हल करने का मिशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। बिजली की लोड शेडिंग का प्लान पेश किया जाएगा। मार्केट्स शाम 7 बजे बंद करें या नहीं, हफ्ते की छुट्टी बहाल करें या नहीं, काबीना इजलास में अहम फैसले होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से कारोबारी बरादरी शरीक होगी। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि कारोबारी बरादरी से बजट पर मशावरत होगी। वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में मिसाक़े मईशत के लिए नेशनल डायलॉग का आगाज करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। साबिक सदर ने वज़ीर आला पंजाब को जोहराने पर बुला लिया। हमजा शहबाज आज बिलावल हाउस में आसिफ ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा आज इस्लामाबाद पहुँचेंगी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। पाक जर्मनी वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी जर्मन वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। चेयरमैन नैब के तायुनाती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मशावरत के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत किस तरह से डिक्टेट कर सकती है, ये पार्लियामेंट का अख्तियार है, अदालतों का नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथा मिनल्ला के रिमार्क्स। बनीगाला करप्शन का हेडक्वार्टर था। एक ताला खुलवाने के लिए साबिक खातून अव्वल को 5 कैरात का हीरा चाहिए था। ये छोटा सा केस आंखें खोलने के लिए काफी है। एक एक नौकरी तकरूरी और तबादले के लिए पैसा लिया गया। फराह गोगी इमरान खान और बुशरा बीबी की फ्रंट पर्सन थी। मरियम नवाज के तनकीदी वार, बोली 70 साल एक बच्चा इनकलाब लाने निकला था, आज तक वापस नहीं पहुंचा। सुपर पावर को ललकारने वाला गिरफ्तारी से डर गया। कराची में वकला की हड़ताल, अदालतों के दरवाजे बंद। सिंध हाई कोर्ट में भी अदालती कार्रवाई महदूद। सालीन को परेशानी का सामना। वकला का सेशन जज शर्की को हटाने का मुतालबा। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, कराची का पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। भक्कर, लैया, मुल्तान, खानेवाल, लाहौर में गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को। कोहिस्तान, चित्राल, दीर, सवात में हल्की बारिश का इम्कान।